सराह गए थे। जीवन की बगिया में रहे हरदम, जीवन की बगिया में फूलों की तरह खिलके। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में लगे होंगे। दोस्तों एक्चुअली बहुत ही आज इमोशनल डे हो गया हम लोगों के लिए, क्योंकि गौरव बहुत दिनों बाद जा रहे हैं और साथ में लाडू की बात हो रही कि जाए कि ना जाए, जाए कि ना जाए, तो इसको लेकर के आधे घंटे से डिस्कशन हो रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि लाडू नहीं जाएगी, लाडू हम लोगों के साथ रहेगी। गर्मी में जैसा होगा देखा जाएगा, जो भी चीज़ें होंगी तो रख लिए। और देखिए ये लोग जा रहे हैं, मम्मी इमोशनल हो गई हैं, रो रही हैं, पता नहीं क्यों। ये लड़की विदाई होती है तब, लड़का विदाई होती है तब, जो है कि और बहुत दिनों से रह गए थे। तो गाड़ी लगी हुई है, चलिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए खुश रहिए, चलिए खुश रहिए। तो सुबह सुबह का समय है, थोड़ा सा बहुत मुश्किल है गुड बाय बोलना, लेकिन नहीं बिल्कुल जरूरी है, लेकिन काम कम करना ही है तो सब कुछ जीवन चलता रहता है, यही प्रक्रिया है भाई। तो बिल्कुल निराश नहीं होना है, जाना है, लाडू तुम लोगों के साथ रहेगी, ठीक है? हाँ बिल्कुल। चलो तैयारी हो रही है गाड़ी निकालने की और लाडू को हम लोग भेज दिए हैं। अभी अंधेरा है दोस्तों, काफ़ी देख रहे हैं, अभी एकदम चांदनी रात है, चांद अभी निकला हुआ है और यहाँ पर जो कुछ हालात इस तरह से हैं। और सुबह सुबह की विदाई हो रही है, गौरव सुबह सुबह निकल रहे हैं और ये जल्दी से पहुंच जाएंगे वहां पर। इसी का नाम जिंदगी है दोस्तों। आदमी हमेशा, वैसे भी लिखा गया हमारे यहाँ कि चरै वेति चरै वेति चरै वेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, यही जीवन है और चलायमान होना चाहिए। तो तो ठीक है गौरव, ठीक है भाई, चलते हैं, बाय बाय। हम लोगों को शायद दिखाई, देखिए ये जो है कि एक चिड़िया है एकदम छोटी सी, जिसकी साउंड भी आप लोगों को आ रही होगी। या देखिए वो सामने एक गिरगिट है ऊपर, फूल के ऊपर, जस्ट देखिए ध्यान से आप लोग। ये जो है कि यहाँ पर ये गिरगिट है, देख रहे हैं आप लोग, और उधर जो है कि उसका घोंसला है, ये वाला पोर्शन जो है कि उसका घोंसला है। तो देखिए वो चिड़िया उड़ रही है, उस घोंसले के पास गिरगिट पहुंच गया है तो उससे अपने बच्चे उसमें छोटे छोटे, और देखिए इसीलिए वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से वो लड़ने की कोशिश कर रही है। लड़ने का मतलब कि वो सुरक्षा उसका डाइवर्जन कर रही है, और गिरगिट जो है कि यहाँ पर है और घोंसला उसका उधर है जो है कि, तो तीनों जो है इस तरह से ये सिचुएशन बनी हुई है। तो मतलब कि हर जीव जंतु, हर प्राणी अपने बच्चों की रक्षा के लिए माँ जो है कि परेशान रहती है, पिता परेशान रहते हैं। इतनी छोटी चिड़िया, और उसको हालांकि गिरगिट नहीं जाएगा उधर, उसका प्रयोजन दूसरा था, क्योंकि गिरगिट वहाँ पर एकदम मधुमक्खी भन मना रही थी, उसके खाने के चक्कर में पड़ा हुआ था। और मेरा अचानक मैं यहाँ आया तो मेरा दिमाग उधर गया कि भाई क्या बात है, ऐसा क्यों आवाज़ आ रही, तो मैं देखा कि अरे यार ये तो ये हो रहा है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत कुछ तो नहीं हो पाया, कारण यही था कि आज गौरव चले गए, कई महीनों से यहाँ रह रहे थे और आप लोग देखे ही होंगे पीछे वीडियो में कि किस तरह से इनकी माँ रोने लगी और थोड़ा सा इमोशनल हो गई। एक्चुअली दोस्तों क्या होता है ना कि जीवन कुछ बहुत ही अलग तरीके से चलता है, जब हम लोग सभी साथ रहते हैं ना तो उससे बड़ा स्वर्ग है नहीं, कि सब माता पिता बच्चे सब लोग एक साथ रहें, उससे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है। तो जब उससे कोई दूर होता है तो कुछ अलग ही सिस्टम हो जाता है। तो गौरव आज गए इस कारण से हम लोग, और थोड़ा सा स्कूल में गार्जियंस मीटिंग थी, तो जब तक गार्जियंस मीटिंग थी तो हम लोग उसी में लगे रहे, तो कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे मीटिंग खत्म हुई तो फिर उनकी एक मेमोरी जिसको उन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया है लाडो, तो वो हम लोगों के लिए छोड़ गए और यहीं रह गई। और उसको भी गर्मी की शुरुआत हो गई है, बहुत हाँफ रही है, तो उसको भी फैन चलाकर हम लोग उधर जो है किए हैं, वो लेटी हुई है और दिखा रहा हूँ अभी आप लोगों को, देखिए। तो देखिए ये फैन को उधर मैं किया हूँ और देखिए वहाँ पर जो है कि वो उस कमरे में एकदम किनारे जा करके लेट करके पड़ी हुई है, वहीं रह जा रही है जा करके।
और रात को जब मैं सोता हूँ ऊपर इस बेड पर, तो वो नीचे वहीं पर क्या करती है, सोती है, पता नहीं क्यों उसको वहीं अच्छा लगता है। तो अभी हमारे यहाँ की ये हालात है, रात के 8:30 बज चुके हैं, और अभी अब चलिए मैं फिर आपसे बात कर रहा हूँ। हम लोग जो है कि बस बैठे हुए हैं, बैठ करके बात करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों की चर्चा करना चाहते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है ना कि जब और वही अब याद है उनकी, बस लाडो और फिर अपना हम लोग बड़े हुए हैं, और इसीलिए आज बड़ा थोड़ा सा इमोशनल डे रहा हम लोगों के लिए। लेकिन कोई बात नहीं है भाई, बच्चों को तो जाना ही है, रहना ही है अपने जगह पर, क्योंकि अगर सुखी रहे, खुश रहे, तो यही हम लोगों का होना चाहिए हर मदर फादर के। हाँ, तो अभी क्या हुआ कि जाते जाते जब मैं शाम को बैठा, तो मैंने मुझे एक कविता समझ में आई, तो मैं उसको लिखा हूँ। अभी मैं डायरी मंगा रहा हूँ, रंजू ला रही है, तो फिर मैं उसको आप लोगों को सुना रहा हूँ, सुनिएगा, और बच्चे भी जो बाहर हैं वो भी इसको सुनेंगे, शायद उनको अच्छा लगे, और मैं अपनी भावनाओं को उसी के तहत जो है कि मैंने व्यक्त किया है दोस्तों। तो अक्सर मेरा मन थोड़ा सा कभी मन है तो कुछ चीजें जो है कि उस तरह से आ जाती हैं, तो मैं लिखता हूँ, तो अभी सुना रहा हूँ, उसके बाद देखिए क्या होता है। ये मेरी डायरी आ गई, और अभी मैं इसको कुछ देख करके, देखिए ये मेरी डायरी है, मेरे सामने रखी है, मैं उससे के थ्रू जो है कुछ चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को, पढ़ रहा हूँ। तो मैंने जो लिखा है थोड़ा ध्यान दीजिएगा उस पर। विदा बेटी ही नहीं होती, ठीक है, विदा बेटी ही नहीं होती, बेटे भी होते हैं। विदा बेटी ही नहीं होती, विदा बेटे भी होते हैं। फर्क इतना ही होता है, फर्क इतना ही होता है कि बेटी की विदाई में सभी रोते हैं, बेटी की विदाई में सभी रोते हैं, बेटे की विदाई में माँ बाप रोते हैं, बेटे की विदाई में माँ बाप रोते हैं। आप लोग जानते हैं कि बेटी की जब विदाई होती है तो सारा रिश्तेदार नातेदार सब लोग कूँ कह कर रोते हैं, सब लोग रोते हैं, लेकिन जब बेटे की विदाई होती है ना तो सिर्फ माँ बाप रोते हैं, क्योंकि जमाना नहीं रोता है, बाकी लोग नहीं रोते हैं दोस्तों। ध्यान से आगे देखिएगा, बेटी की विदाई को हम स्वीकार करते हैं, बेटी की विदाई को हम स्वीकार करते हैं, बेटे के विदाई पर पिता दशरथ मरते हैं, ठीक है, आज तक पूरा इतिहास गवाह है कि किसी बेटी की विदाई होने पर कोई माता पिता मरा नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है कि बेटे के दूर होने पर पिता दशरथ मरते हैं। कि दशरथ जैसे पिता क्या होते हैं, मर जाते हैं, जबकि इतिहास में और चीजें कहीं वर्णन नहीं है। इसीलिए अतः बेटों की विदाई को छोटा न समझिए, अतः बेटों की विदाई को छोटा न समझिए, करना है जाप बेटों को, करना है जाप बेटों को उनकी मजबूरियों को समझिए, करना है जाप बेटों को उनकी मजबूरियों को समझिए, दीजिए आशीर्वाद उनको, दीजिए आशीर्वाद उनको अपने तहे दिल से, दीजिए आशीर्वाद उनको अपने तहे दिल से, रहें हरदम जीवन की बगिया में, रहें हरदम जीवन की बगिया में, फूलों की तरह खिलके, फूलों की तरह खिलके। तो इस बात का आप लोग देखिए, ये तो इमोशन हो करके फिर रो रही हैं, तो आशीर्वाद दीजिए कि रहें जीवन की बगिया में हमेशा फूलों की तरह खिलके, फूलों की तरह खिलके। तो मैं अपनी भावनाओं को इसके थ्रू व्यक्त किया हूँ, अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़ना चाहिए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। संत में ही कहना चाहता हूँ कि हर पति पत्नी का ध्यान रखें, और पत्नी पति का, और सारे बड़े बुजुर्ग छोटों को स्नेह और प्यार करें, और सारे छोटे बच्चे अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करें, उनको उनकी सेवा करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, कल आगे ब्लॉग्स बहुत अच्छे अच्छे होंगे, बने रहिएगा, और यहाँ से हम लोगों की ब्लॉगिंग होगी, बनारस से ब्यूटी अपनी ब्लॉगिंग करेंगी, और गौरव वहाँ से अपने मैसेज अपने चीज़ों को भेजेंगे, और इस तरह से मिला करके ब्लॉग आएगा, तीन जगहों से बड़ा ही अलग होगा। तो बने रहिए, देखते रहिए दोस्तों, शुभ रात्रि।